हमारी राष्ट्रभाषा की ये हालत, जी हाँ आपने सही देखा है कि राष्ट्रभाषा की ये हालत कैसे हो गई। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है भाई। हिंदी भाषा होने के बावजूद, घर घर में हिंदी बोलने जाने के बावजूद 7.97 लाख स्टूडेंट जो है फेल हो गए हिंदी सब्जेक्ट में। ये एक बहुत बुरी खबर है हम इंडियंस के लिए कि हमारी जो हिंदी राष्ट्रभाषा है आज उसको हमने किस तरीके से बना दिया है कि हर कोई हिंदी में फेल कैसे हो गया। यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में 10th और 12th का पेपर हुआ था और जब अभी सैटरडे को रिजल्ट आता है तो वहाँ पे पता चलता है कि बच्चे फेल हुए हैं। और कितने बच्चे हुए हैं आप देख सकते हैं, 7.97 लाख स्टूडेंट फेल इन हिंदी सब्जेक्ट इन यूपी बोर्ड एग्ज़ाम। तो देखिए हमारी हिंदी भाषा की क्या हाल हुए हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी से, ऑल स्टूडेंट से, हर किसी से बोल रही हूँ मैं यहाँ पे कि प्लीज़ अपनी मातृभाषा को प्लीज़ इसको इंकरेज करिए। ऐसा ना हो जाए कि कहीं ये मातृभाषा एकदम से गायब हो जाए। प्लीज़ इंग्लिश बोलिए, ज़रूरी है इंग्लिश बोलना, लेकिन हिंदी भी उतनी ही ज़रूरी है। अपनी मातृभाषा को कोई कैसे इस तरीके से कर सकता है, इतना कम मार्क्स कोई कैसे ला सकता है। आई कांट बिलीव दिस। ये पहली बार मैंने देखा कि 7.97 लाख स्टूडेंट फेल हो गए, वो भी एग्ज़ाम में, वो भी हिंदी के विषय में। क्या हिंदी इतना हार्ड है? अपनी मातृभाषा पढ़ने में इजीली हमें समझ में आ जाता है, फिर कैसे बच्चे फेल हो गए। ये बहुत ही आश्चर्यजनक न्यूज़ थी जो कि मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करूं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये न्यूज़ क्या सही है, क्या हमें हिंदी को इंकरेज करना चाहिए कि नहीं, क्या हिंदी भाषा को आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं। हर कोई इंग्लिश 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 करता रहता है, लेकिन उसको ये भी तो सोचना चाहिए कि अपनी मातृभाषा बोलने में क्या प्रॉब्लम है, अपनी मातृभाषा को पढ़ने में क्या दिक्कत है। आपकी मातृभाषा होने के बावजूद आप हिंदी प्रॉपरली नहीं कर पाए। प्लीज़ जितना हो सके उतना शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि हमारी जो हिंदी मातृभाषा है हम भारतीयों की, वो भाषा और भी आगे बढ़े। हर किसी को हिंदी है, हम इस बोलने में हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए कि हम हिंदू हैं, हिंदी हैं। बोलते हैं ना जय हिंद जय भारत, अरे हिंद के वासी होके भी हिंदी में ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा। एक पल के लिए इंग्लिश में होता तो सोचते ही भाई हिंदी में ऐसी हालत कैसे हो गई। सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर करिए, जिसको हिंदी भाषा में प्रॉब्लम है गाइस प्लीज़ मुझसे कमेंट करिए, मुझे बताइए, मैं आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो बना के दूंगी, सारे के सारे वीडियोस बना के दूंगी आपको हिंदी सब्जेक्ट में, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम तो। पर प्लीज़ मुझसे शेयर करिए, यहाँ पे फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल आपके हमेशा हेल्प करेगा। प्लीज़ शेयर करिए ऑल स्टूडेंट्स तक, और अपनी मातृभाषा को जितना हो सके अपनी राष्ट्रभाषा को आगे बढ़ाने में मदद करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। जय हिंद जय भारत।